हजरत वासिफ अली वासिफ ना दारी मुंडे दरवेशन और कहंदे सन इंसान की आंख खुलती उस वक्त है जब बंद होने को आती है। ए तो पता लग जाना जब ऐन कब्र ते जाना फरिश्ते आके पूछना मा कुन ततकुलु फी हक हाजर रजुल दस ओए दुनिया ते इना दे बारे की कहंदे रहंदे सन ते जदों साडे गुलामों को पूछण के असी कहंगे साडे को पूछते हो सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे और बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे नाराए रिसालत और इस्लाम जड़ा ना और दलेरा दा दीन है। किस दा दीन है भाई? दलेरा दा दीन है। इस्लाम बंदे खड़का के लेंदा। इस्लाम बंदे खड़काना समझते हो? बंदे जजोड़ के जे बंदा कह बवे ना 14वीं सदी च भी 15वीं सदी च भी कि मैं कुत्ता पाक रसूल अल्लाह दा बावे व्हील चेयर ते वे इस्लाम उनु फैजाबाद ले जांदा चलदी गोलियां सामने बिठा देंदा घसीट के जेल च ले जांदा लेकिन इस्लाम इकबाल कहंदा अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। बंदे इस्लाम खड़का के लैंदा किवें खड़का के लैंदा पहले ओहद ले जांदा बदर ले जांदा ओहद ले जांदा खंदक ले जांदा मुरैसी ले जांदा मुस्तलिक ले जांदा तबूक ले जांदा फिर जाके कहंदा रदी अल्लाह अन्हुम व रदुअन व कुल्लहु आद अल्लाह अल हुस्ना फिर कहंदा और ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना और झल्यो इस्लाम दलेरा दा दीन है। ए आज जनाब साडे उते मुसल्लत हो गए ना हो जाए जड़े जनाब कहंदे ने कि जदों ओखा वेले आवे सर झुका दियो हां गुनाहगार दी माफियां गद्दार दी माफी नहीं है हां गुनाहगार बन के रहना गुनाह मेरे आका मौला सल्ला ए कोई बड़ा कयामत तक एक बंदे ने बाबा जी के सामने गल कर दी बाबा जी ने फिर जड़ी नस पेश की थी उन्हें कह जी इस तरह बाबा जी ने फरमाया हुजूर ने फरमाया शफाती लि अहले कबायर मेरी शफात तो है बड़े गुनाह वाले वास्ते हुन तू कयामत तक हुजूर दी शफात तो कोई बड़ा गुनाह लेके बात है भाई हुजूर नाल वफा करनी और की करना भाई अन्ने वाह करनी किवें करनी भाई अन्ने वाह हुजूर नाल मोहब्बत करनी और अन्ने वाह करनी ए इक्को ही शै जड़ी हर जगह काम आनी हर जगह दुनिया ते भी ए ता